हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मान संग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे KBSR प्रतियोगिता के बारे में। दोस्तों, KBSR प्रतियोगिता के बारे में यानी कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो इसके दोस्तों इसमें क्या दिया था, इसमें ई बुक दी थी इन्होंने, यानी जो PDF दी थी उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस PDF में लेकर के आए दोस्तों क्या है, आज देखेंगे मोबाइल के दुष्परिणाम क्या क्या हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देख लेते हैं किशोरों पर मोबाइल के फ़ोन के हानिकारक साइड इफ़ेक्ट होते हैं कौन कौन से। तो एक ये भी पूछा जा सकता है, एक सर्वेक्षण के अनुसार क्या पता चला है, 12 से 17 वर्ष की आयु के 78% किशोरों के पास मोबाइल फ़ोन है। ठीक, कितने प्रतिशत, 78%। और वे सिर्फ अपने माता पिता को कॉल करने के लिए नहीं इसका उपयोग कर रहे हैं, बल्कि इनमें से चार में से एक लोग क्या कर रहा है, इंटरनेट तक उसकी पहुँच है और वयस्कों से भी अधिक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं आगे क्या है, आगे कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो यानी ट्रिपल टी, तो टीन टेंटो नाइटिस रोग हो जाता है। जो ये क्या होता है, किशोर पूरी तरह से टेक्सटिंग संदेश के आदि हैं, अतिरिक्त मैसेजिंग से भी टीन टेस्टोनाइटिंग हो सकता है। यह खराब मुद्रा के कारण हाथ, पीठ, गर्दन में दर्द पैदा कर सकता है, इससे दृष्टि कमज़ोर, यहाँ तक कि गठिया भी हो सकता है दोस्तों, इतना ख़राब होता है। आगे तनाव होता है, तनाव तो सबको पता है, नींद की कमी हो जाती है, नींद भी नहीं आती है, चिंता बढ़ती है, कैंसर का खतरा भी बढ़ता है और क्या, साइबर क्राइम तो बढ़ता ही बढ़ता है। और आगे देख लेते हैं किशोरों के लिए सेलफोन सुरक्षा, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि अपने किशोर के साथ बातचीत करें, सेलफोन पर खर्च किए गए समय और धन की स्वीकार मात्रा क्या होनी चाहिए इसको भी निर्धारित करना चाहिए। पाठ के उत्तर देने के अपने आवेग को रोकने के लिए उसे बताएं। ड्राइविंग करते समय सेलफोन को बंद रखना सबसे अच्छा विकल्प है, बंद कर लेना चाहिए। सोने के लिए रवाना होने से पहले सेलफोन बंद करने से नियमित नींद का कार्यक्रम बनाए रखने में मदद मिलेगी। आगे देख लेते हैं, आगे अब यह इसको देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है कि माननीय मोदी जी ने UNO को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करवाया और यह बड़ी उपलब्धि, कब, 21 जून को UNO में। ठीक है, और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। INO व सूर्य फाउंडेशन की योग दिवस को आगे बढ़ाने में बहुत भूमिका है। पूरे देश में 8000 योग शिक्षक इन्होंने अपने बलबूते पर खड़े किए हैं। 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है, चलिए फ्रेंड्स ये याद कर लेना 21 जून को। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सामान्य योग अभ्यास क्या होता है, तो योग जैसे निम्न प्रकार से होता है, जैसे प्रार्थना, ठीक है, प्रार्थना करनी चाहिए, शिथिलतीकरण के एक अभ्यास जैसे ग्रीवाचालन, स्कंद संचालन, कटचालन, घुटना संचालन, योगासन जैसे खड़े होकर किए जाने वाले आसन कौन से, ये भी पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से, ताड़ासन, वृक्षासन, पाद हस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, बैठ कर किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं, तो है भद्रासन, वृहद कोणासन और अर्ध उष्ट्रासन, शशांकासन, वज्रासन, वीरासन, वक्रासन, ये सभी हो गए बैठ करके। पेट के बल कौन कौन से किए जाते हैं, तो पेट के बल किए जाते हैं भुजंगासन, मकरासन, शलभासन। पीठ के बल कौन कौन से किए जाते हैं, तो सेतुबंधासन, उत्तान पादासन, अर्धहलासन, पवन मुक्तासन, शवासन। और कपाल व्यक्ति किया ये कितने, 3 चक्रों में, प्रत्येक चक्र में 40 बार। तो प्राणायाम नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतल प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ध्यान, किसी भी ध्यान मुद्रा में ध्यान करना चाहिए, संकल्प के साथ योगाभ्यास का समापन करना चाहिए, शांति पाठ करना चाहिए। और देख लेते हैं हर्षवर्धन जी कौन कौन से, इनको याद कर लेना दोस्तों, भारत सरकार के हैं, कौन, केंद्रीय मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, ये हर्षवर्धन जी हैं। कौन है, हर्षवर्धन जी हैं, हर्षवर्धन जी। आगे देख लेते हैं शिथिलतीकरण के अभ्यास कौन कौन से, ये इस तरह के शिथिलतीकरण के अभ्यास होते हैं, स्कंद खिंचाव, कटचालन, घुटना संचालन, स्कंद संचालन, ये सभी योगा हैं। ठीक है, ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, ये सभी दिए गए हैं, भद्रासन का ये ऐसे करते हैं, वज्रासन ऐसे करते हैं, अर्ध उष्ट्रासन ऐसे करते हैं, पेट के बल ये सभी हैं, प्राणायाम जैसे कपालभाति ऐसे किया जाता है, नाड़ी शोधन और शीतली प्राणायाम, ये सभी हैं। ठीक है, अब ये सैंपल पेपर तो हमने करवा दिया था दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो सैंपल पेपर डाल देना, KBSR प्रतियोगिता सैंपल पेपर डालोगे यूट्यूब पर आ जाएगा, या फिर हाई फाई मार संग्राम में डालोगे
तब भी आ जाएगा। महासंग्राम डालोगे यूट्यूब चैनल तो हमारा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, वहाँ पे के बी एस आर प्रतियोगिता सैंपल पेपर करवाया गया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आओ देख लेते हैं, कुछ आगे दिया है इसके बारे में तो हम करवा चुके हैं, ये याद कर लेना। नेचुरोपैथी की कुछ अच्छी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, जैसे पहली है प्रकृति की ओर चलें तो डॉक्टर एडोल्फ जस्ट की है, गेहूं घास डॉक्टर एन विगमान डॉक्टर गाला की है, उपवास की सफलता ये किसकी है डॉक्टर गाला की है, उपवास किसकी है ये डॉक्टर सेल्टन और मैक फेडरन की है, विट्ठल दास मोदी के पुस्तकें कौन कौन सी हैं तो रसो इलाज द्वारा डॉक्टर मनहर शाह की हैं, ठीक है। 100 साल स्वस्थ रहें कैसे तो डॉक्टर सलीला तिवारी की है ये बुक, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत ये किसकी है तो ये है डॉक्टर के लक्ष्मण शर्मा की, प्राकृतिक चिकित्सा और विज्ञान डॉक्टर राकेश जिंदल की है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ याद कर लेना, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग किसकी है नागेंद्र कुमार नीरज की है, रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा ये किसकी है सुखवीर सिंह की है, व्यवहारिक प्राकृतिक चिकित्सा ये किसकी है हेनरी लिंडलार की है। आगे देख लेते हैं अगला क्या है, ये याद कर लेना गांधी जी से, जैसे प्राकृतिक जीवन की ओर ये एडोल्फ जस्ट की है, कुदरती उपचार किसकी है महात्मा गांधी की बुक है, और कौन सी है आरोग्य की कुंजी ये भी महात्मा गांधी की है, प्राकृतिक चिकित्सा का सामान्य ज्ञान ये डॉक्टर ओंकार नाथ की है, प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र ये किसका है एम एस स्वामीनाथन का, डवास नेचर गाइड ये किसका है डॉक्टर आर एस डवास का है, आहार चिकित्सा किसका है अर्नाड इहरिट का है। चलिए फ्रेंड्स आप देख लेते हैं, ये तो बुक का पता दिया गया है कहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, और इसमें कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये तो पता ही है सबको, तो 69वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया था, तो कब किया था 69वें सत्र संबोधन में किया था, कब किया था 69वें सत्र को संबोधित करते हुए, और कब किया था 27 सितंबर 2014 में किया था। चलिए फ्रेंड्स और इसमें देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने इस समय हैं, तो 193 सदस्य हैं और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, तो सबको पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें क्या है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस परिचय ये क्या है, इसमें 21 नवंबर, इसमें फ़िलहाल कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए फ्रेंड्स और कुछ देख लेते हैं, ये तो उसमें यानी इनका दिया गया है चेयरमैन वाला पूरा सिस्टम, और कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो देखते हैं और उस पर वीडियो बना के दोस्तों दे दिया जाएगा, और अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसको रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर दें। ये देख लीजिए क्या है कि आंवला खूब चबा चबा कर खाना चाहिए, इससे खून बढ़ता है और भूख भी बढ़ती है, इसे फलों के साथ मिलाकर रस जूस बनाकर पी सकते हैं, इससे ये लाभ होता है। चलिए फ्रेंड्स आंवला को खूब पीना चाहिए। प्राणायाम के लाभ कौन कौन से हैं, जैसे मन में निश्चलता लाता है, जीवन शक्ति बढ़ाता है, तनाव चिंता स्तर को कम करता है, ये प्राणायाम के लाभ होते हैं, कफ विकार को भी कम करता है, अपच एवं पित्त के कारण होने वाले अपच और अन्य व्याधियों को भी दूर करता है, पुराने से पुरानी बदहजमी और तिल्ली रोग से भी छुटकारा दिलाता है, त्वचा और नेत्रों के लिए भी लाभदायक होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं और क्या देख लेते हैं दोस्तों, ये तो देख लिया सब, सूर्य नमस्कार से भी क्या लाभ होते हैं सबको पता ही है। और दोस्तों चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी दोस्तों, इस पर एक दो इम्पोर्टेंट और होंगे तो इस पर वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।